आज आप लोग को बताने जा रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन मतलब होता है पुनर्मूल्यांकन, इसका हिंदी होता है पुनर्मूल्यांकन खाता। तो री मतलब दोबारा, वैल्यूएशन मतलब वैल्यूएशन होना। जब दोबारा रिवैल्यूएशन होता है तो उसमें नेट और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब जब कोई भी एसेट्स या लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होता है, री मतलब दोबारा अगर वैल्यूएशन का ज़रूरत पड़ता है तो उसमें जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है उसको हम लोग जानने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ये कब बनाते हैं, या तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, या तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप में, या रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, या डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब ये सब होता है तो हम लोग रिवैल्यूएशन का ज़रूरत पड़ता है कि एसेट्स अभी इसका वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है, रिवाइज वैल्यू क्या है, क्या लाइबिलिटीज क्या है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या है। ये सब जानने के लिए जब हम लोग किसी जब हम लोग किसी अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करते हैं और उसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसको बोला जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, याद रखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब हिंदी होता है पुनर्मूल्यांकन खाता। इसी को बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर एग्जाम में लिख दिया कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रिपेयर पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, तो बोथ आर सेम, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये नॉमिनल अकाउंट है, इसका फॉर्मेट सबसे पहले बताते हैं। वही डेट इसमें नहीं होगा, पार्टिकुलर अमाउंट होगा, ठीक है। पार्टिकुलर अमाउंट इधर डेबिट, इधर क्रेडिट, यहाँ पर पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। फिर पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ये हम लोग का तीन लेसन में ज़रूरत पड़ेगा, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ठीक है। एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ है, तीनों में हम लोग का इसका ज़रूरत है। देखिए, जितना तरह का लॉस होगा सब इधर, जितना तरह का प्रॉफिट होगा सब इधर, ठीक है। तो देखिए, लॉस किस में होगा, डिक्रीज मतलब कमी, डिक्रीज इन एसेट्स वैल्यू, अगर एसेट्स का वैल्यू में डिक्रीज होगा तो लॉस होगा, और इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा। इंक्रीज मतलब बढ़ना, इंक्रीज मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन एसेट्स वैल्यू, अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तब प्रॉफिट होगा और घटेगा तो लॉस होगा। इसका जस्ट अपोजिट लाइबिलिटीज में क्या होगा, इंक्रीज इन आउटसाइड लाइबिलिटीज लॉस होगा। अगर कोई लाइबिलिटीज हम लोग का कम होगा, ठीक है, डिक्रीज अगर हम लोग का डिक्रीज होगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स, वो भी हम लोग का प्रॉफिट, अनरिकॉर्डेड मतलब जो रिकॉर्ड में नहीं है, और अनरिकॉर्डेड, ठीक है, लाइबिलिटीज जो रिकॉर्ड में नहीं है, अगर वो लाइबिलिटीज रिकॉर्ड में आया गया तो हम लोग के लिए क्या होगा, लॉस। अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो रिकॉर्ड में नहीं था वो हम लोग का आएगा तो हम लोग के लिए क्या होगा, प्रॉफिट। अब देखिए, या तो क्रेडिट ज़्यादा होगा या तो डेबिट ज़्यादा होगा। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ठीक है, अगर क्रेडिट साइड हम लोग का क्या है, अधिक है, तो हम लोग को प्रॉफिट होगा, और डेबिट साइड कम होगा तो लॉस होगा। तो अभी हम मान के चलते हैं कि उधर ज़्यादा, इधर क्या है, कम है, इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। ए बी, ये भी मान लेते हैं कि ए बी है, ठीक है, और इसको हम लोग ओल्ड रेशियो में यहाँ बांट देंगे। जनरली क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको ओल्ड रेशियो में हम लोग बांट देंगे, ठीक है। इसके बाद इसका एक जर्नल एंट्री भी होता है, तो जर्नल एंट्री हम बाद में बताएंगे, पहले इसका अकाउंट समझिए कि कोई भी तरह का लॉस होगा तो डेबिट साइड, कोई भी तरह का प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड। इसमें लिखाएगा क्या, ऐसा एसेट्स
या लाइबिलिटी जिसका री वैल्यू होगा, री मतलब दोबारा अगर उसका मूल्यांकन होगा, वैल्यूएशन होगा, तब हम लोग का इसमें आएगा, ठीक है। और कोई ऐसा लाइबिलिटी जो बुक में रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, फर्म का बुक में रिकॉर्ड नहीं है, बाद में अगर वो अचानक आया, जिसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज या अनरिकॉर्डेड एसेट्स, उसको अगर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग का वो भी इसमें आएगा। तो अनरिकॉर्डेड अगर एसेट्स रहेगा तो हम लोग के लिए प्रॉफिट होगा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज होगा ये हम लोग के लिए क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। और जो भी अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड क्या है कम है, तो जो भी यहाँ पर हम लोग का होगा वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। रिवेल्यूशन अकाउंट का आप लोग का क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट है, ठीक है। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो हम लोग का लेसन का नाम है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और बुक का नाम है SK Singh, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, जैसे हम बताए थे कि रिवेल्यूशन अकाउंट, ठीक है, जब रिवेल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए बोला जाएगा या जब कोई एसेट्स या लाइबिलिटी रिवैल्यू होगा तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। लेकिन इस लेसन में एक बात और हम लोग को जानना जरूरी है कि रियलाइज वैल्यू को अगर न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है तब तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या जो लॉस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं, रिवाइज वैल्यू को न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, बुक वैल्यू को ही दिखाना है, जो पहले हम लोग का था वही दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी रिवेल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम लोग सेक्रीफाइस या गेन रेशियो में बांट देंगे, ये याद रखिएगा। ये हम लोग क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्या कहा गया है। तो जैसे हम लोग भी 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिख रहा है, शुक्ला और सक्सेना दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द 2:3, देयर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट हम लोग का दिया हुआ लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, इन्वेस्टमेंट, इधर कैपिटल दिया हुआ, दोनों पार्टनर को क्रेडिट है। नीचे क्या लिखा है, रिवैल्यूएशन एसेट्स, लैंड हो गया 3 लाख का, जबकि पहले था कितना 120 का। अब समझिए, पहले था 120, अब हो गया कितना 3 लाख, तो बढ़ रहा है हम लोग का। बिल्डिंग क्या हो गया हम लोग का 90,000 का, पहले कितना था तो 1 लाख, पहले था 1 लाख, अब हो गया 90, 10,000 हम लोग का डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए, हम अभी बताए थे कि अगर कोई एसेट्स इंक्रीज करेगा, ठीक है, कोई एसेट्स अगर हम लोग का इंक्रीज करेगा तो हम लोग के लिए क्या होगा, प्रॉफिट, और कोई एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो हम लोग के लिए क्या होगा, लॉस। तो यहाँ पर क्या है, लैंड इंक्रीज कर रहा है और बिल्डिंग क्या कर रहा है, डिक्रीज। ऑन द 31st March 2019 द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, उन लोग क्या बोला कि अब हम लोग इक्वली बांटेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, फॉर्मेट वही रहेगा, पार्टिकुलर अमाउंट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग का क्या हुआ है, लैंड 3 लाख का हो गया, जबकि था हम लोग का 120, तो ये हम लोग के लिए प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ये हम लोग के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को इधर लिखेंगे बाय लैंड, कितना हम लोग का हुआ पहले अभी है 3 लाख, अब पहले था 120, ठीक है, तो हम लोग का 180 हम लोग का इंक्रीज किया, और एक बिल्डिंग है, ठीक है, क्या है, बिल्डिंग पहले था हम लोग का 1 लाख, अभी है 90,000, ये 10,000 क्या हुआ, डिक्रीज। 180, तो देखिए इसका 2 साइड में घट रहा है ना, ये हम लोग का हो गया नेट प्रॉफिट, ये हम लोग का क्या हो गया, नेट प्रॉफिट 170, ठीक है, देखिए आंसर दिया हुआ होगा, हाँ 170 टू नेट प्रॉफिट, क्या नाम है, शुक्ला और सक्सेना। जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, तो जो यहाँ भी नेट प्रॉफिट हुआ, ठीक है, जो भी नेट प्रॉफिट हुआ उसको हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे, जो हम लोग का है 2:3, तो 170 डिवाइडेड बाय 5 × 2, 68,000
और 10 2000, ठीक है। अब इसका है हम लोग का जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे, ठीक है, देखिए हम बहुत सिंपल इजी वे में बता रहे हैं। डेट पार्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट हम इजी वे में बता रहे हैं। सबसे पहले प्रॉफिट लिखे, तो इधर क्या है लैंड, इधर वाला क्रेडिट, इधर वाला क्या करेंगे हम लोग, रिवलेशन अकाउंट क्रेडिट साइड है तो रिवलेशन को क्रेडिट करेंगे, इधर सब डेबिट है तो रिवलेशन अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट। तो पहले प्रॉफिट का एंट्री कीजिए, लैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है। देखो इधर क्रेडिट साइड है तो रिवलेशन को क्रेडिट साइड लिखेंगे, बींग रिवेल्युएशन अकाउंट, बींग रिवेल्युएशन अकाउंट, बींग लैंड इंक्रीज्ड कितना, तो 180, ठीक है, कितना हम लोग का है 180। फिर देखिए बिल्डिंग हम लोग का डिक्रीज हुआ है ना, तो डेबिट साइड है तो डेबिट साइड लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, बींग बिल्डिंग डिक्रीज्ड कितना, तो हम लोग का 10,000। अब हम लोग को चाहिए नेट प्रॉफिट का एंट्री, लास्ट में कभी भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा उसका हमेशा लास्ट में एंट्री करेंगे। फिर से जर्नल एंट्री बताते हैं, इधर वाला के लिए हम लोग रेगुलेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, इधर के लिए रेगुलेशन अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमेशा लास्ट में एंट्री करना है, ठीक है। इसका लॉस का एंट्री देख लीजिए, प्रॉफिट का शुक्ला अकाउंट डेबिट, सक्सेना अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कितना है, तो 170 डिवाइड करके कितना आया, तो 68,000 और 102, ठीक है। तो हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ, तो समझ गए इसमें क्या है। सबसे पहले हम लोग का क्या था, लैंड था 120 का, बाद में हो गया 3 लाख, बिल्डिंग था पहले 1 लाख का, हो गया 90,000, जो लॉस हुआ उसको डेबिट में लिखें, जो प्रॉफिट हुआ उसको क्या लिखें क्रेडिट में लिखें, ठीक है। और जो नेट प्रॉफिट हुआ 180 माइनस 10,000 इक्वल टू 170, इसको हम लोग डिवाइड कर दिए। ओल्ड रेशियो में जर्नल एंट्री भी बता दी, इधर ला क्रेडिट है इधर ला डेबिट है, 3 एंट्री 1 2 3, ठीक है, 3 एंट्री इसमें हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 18, ठीक है, मुंडा मांझी और मुर्मू, ठीक है, मुंडा मांझी और मुर्मू कितना पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 532 में डिवाइड कर रहा है, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट लॉसेस इन द 235 इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2019, ठीक है। दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन विदाउट इफेक्टिंग द बुक वैल्यू, देखिए इसमें लिख दिया है कि बुक वैल्यू को हम लोग को चेंज नहीं करना है, इफेक्ट उसमें नहीं करना है आपको, लिए इसकी सिंगल एंट्री करना है। तो हम लोग को जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा हम लोग उसको क्या करेंगे, उसके लिए सिंगल जर्नल एंट्री करेंगे, उसको सेक्रीफाइस और गेन में डिवाइड कर देंगे, ओके। तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी कितना था पहले, तो हम लोग रफ में निकालेंगे प्लांट एंड मशीनरी, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी कितना है, पहले था 3 लाख, अब हो गया 290, 10,000 का डिक्रीज है प्लांट एंड मशीन, 10,000 का डिक्रीज है, तो ये हम लोग के लॉस हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख से कितना हो गया, 250, ये प्रॉफिट है क्योंकि एसेट्स हम लोग का बढ़ रहा है, रफ करके निकाल देंगे क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं है। इन्वेस्टमेंट हम लोग का कितना है, 50 से 40, 10,000 का ये भी एसेट्स है, और क्रेडिटर लाइबिलिटीज होता है 60 से 50,
ये हम लोग को प्रॉफिट हुआ, पहले 60 देना था, ठीक है, अब हम लोग को कितना देना है 50, तो 10,000 का हम लोग को प्रॉफिट हुआ और हम लोग का ये सब मिला के 40,000, ठीक है नहीं, 40,000 का प्रॉफिट हुआ, जो रिवेल्यूएशन प्रॉफिट हुआ वो कितना का हुआ 40। लेकिन क्या क्वेश्चन में लिख दिया है कि रिवाइज वैल्यू को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे 40,000 को सेक्रीफाइस और गेन में बांटेंगे। तो सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, क्या नाम है, मुंडा मांझी मुर्मू, मुंडा मांझी और मुर्मू, कितना है 5/10, 3/10, 2/10, माइनस माइनस माइनस, न्यू रेशियो आपका है कितना 2/10, 3/10, 5/10, 3/10 प्लस में आया सेक्रीफाइस, ये जीरो, ये माइनस में जा रहा है, तो ये हम लोग के लिए गेन। फिर कल ही जैसा बताए थे गेन डेबिट होगा और सेक्रीफाइस क्या होगा क्रेडिट, जन एंट्री करते हैं, गेन कौन किया मुर्मू, मुर्मू अकाउंट डेबिट टू मुंडा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर रिवेल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है, रिवेल्यूएशन प्रॉफिट कर लीजिए। जैसा हम लोग थ्री बाय टेन का 40,000 का 12,000, तो हम लोग का रिवेल्यूएशन अकाउंट का इस चैप्टर में अभी फिलहाल दो ही क्वेश्चन है हम लोग के सामने, इसके बाद फिर हम लोग का गुडविल स्टार्ट है जो कि आपको आगे वाला वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो दो क्वेश्चन तो हम लोग समझ गए, रिवेल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या, अगर रिवाइज वैल्यू को न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, और बुक वैल्यू को ही दिखाना है, रिवाइज वैल्यू को दिखाने की जरूरत नहीं है अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे उसको सेक्रीफाइस और गेन में, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग डिवाइड किए उसी तरह करेंगे। तो इसमें समझ गए, इसमें रिवेल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाए, रफ करके हम लोग देख लिए कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है।